The hostel fees in JNU has been hiked by more than 3000%. There was no water and electricity bill. Now water and electricity bill has been increased or included. There was no maintenance fees. Now 1700 per month has to be paid. Apart from that, 10 rupees room rent has been increased to 300. 20 rupees room rent has been increased to 600. This is nothing but to destroy public education, to ensure that the JNU as a public education institute shall not be there, and to privatize it. मेरा नाम पूजा विद्रोही है और मैं हरियाणा के गांव से बिलोंग करती हूं, खड़ावटी, और मैं यहां से जेएनयू से मास्टर्स कर रही हूं इन इंटरनेशनल रिलेशंस। जेएनयू में जब बहुत सारे बच्चे आते हैं तो हमारा मेन रीज़न ये रहता है कि हम बहुत फाइनेंशली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि हम बाकी किसी यूनिवर्सिटी में जा सकें। तो जेएनयू में आने का इकलौता मुद्दा ये रहता है कि यहाँ पर हम बहुत मिनिमल पैसे में यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जेएनयू में अभी आईएचए ने जो ड्राफ्ट मैनुअल पास किया है, इसमें उन्होंने फी हाइक डबल से भी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हमें सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सारे तबके के लोग आके पढ़ते और वो लोग नहीं आ पाए, इसी के लिए एक साजिश है जो बार बार वाइस चांसलर ऐसा एक ड्राफ्ट हॉस्टल मैनुअल को कैंपस के अंदर लागू करना चाहता है। हर एक कॉर्नर से, हर एक हॉस्टल से जीबीएम करवा के ये निर्णय लिया गया है स्टूडेंट्स की तरफ से कि इस ड्राफ्ट हॉस्टल मैनुअल को हम लोग नहीं मानते। और वार्डन से भी जीबीएम में प्रेजेंट थे, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्लियरली इसको रिजेक्ट किया है। लेकिन एक वीक से कि कोई भी डायलॉग स्टूडेंट्स की तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रहा है। जितना बार भी एप्लीकेशन दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन सुनने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा की न्यूज़ बाहर फैलाया जा रहा है कि हम लोग दंगा कर रहे हैं। हम मीडिया के तौर पे हम बताना चाहते हैं मीडिया के सारे सोर्सेस को कि जेएनयू आज लड़ रहा है, जेएनयू एक क्राइसिस सिचुएशन में है, जेएनयू में आज फी हाइक किया जा रहा है और इस आवाज़ को जब स्टूडेंट्स उठा रहे हैं उसको दबाने की बार बार कोशिश किया जा रहा है। जेएनयू का ही जो डॉक्यूमेंट है उससे पता चला है कि 40% जो स्टूडेंट हैं वो 1 लाख से नीचे का इनकम वाले बिलोंग करते हैं। तो अगर ये जो फी हाइक है इस मैनुअल में, अगर ये फी हाइक अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो 40% छात्र कहाँ जाएंगे, वो कहाँ पे पढ़ेंगे? ये दूसरा है कि ये कर्फ्यू लगाना चाहते हैं हॉस्टल में ताकि लोग बाहर ना निकले। ये कितना खराब बात है आप देख सकते हैं। अगर स्टूडेंट जो रिसर्च करता है, जो एमए एमफिल में, वो आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे कैंपस में इधर उधर बैठ के, तो कहाँ से अपनी रिसर्च पूरी कर पाएंगे? तीसरा, ये ड्रेस कोड लागू करना चाहते हैं। किस तरह का ड्रेस करना चाहते हैं इस पर इन्होंने कभी बात नहीं किया है। सीधा ड्रेस, क्योंकि इनका बस एक ही रीज़न है, ये सीधा लोगों को या सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने लड़कियों को सीधा ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। और ये सोच हमें पता है किन लोगों की सोच है, ये पैट्रियार्कल और मनुवादी सोच है। तो ये ड्रेस कोड ये चाहते हैं कि लोग एकदम पूरा पहन के यहाँ पे आए, उनके अनुसार जिए। पर उनको बता देना चाहता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी हमसे है, हम यूनिवर्सिटी से नहीं है। We will stand united to defeat this policy of excluding the poor from universities. We want a affordable, quality, accessible education for the poor, for the marginalized, for everyone in this country. Education can't be for the rich and exclusive. It should be for the poor and everyone and inclusive.